मेरी नजर में हर वो शख्स कोहिनूर हीरा है जो अपने समाज को पाखंडवाद से मुक्ति व समाज को जागरूक कर रहा है। अंधविश्वास खतरे में है, इसलिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है ताकि अक्ल के बैलों को अंधविश्वास के हल में जोता जा सके। जिंदगी धर्म पर नहीं रोटी पर निर्भर है। हाँ, चंद लोगों की रोटी जरूर धर्म पर निर्भर है और यही चंद लोग बाकी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मनुष्य भी कितना नादान है, मंदिर में शंख और घंटे बजाता है, सोया हुआ है खुद और भगवान को जगाता है। भूखे को रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में 56 भोग लगाता है, अंधेरा दिल में है और दिए मंदिर में जलाता है। शिक्षा के बिना समझदारी खो गई, समझदारी के बिना नैतिकता खो गई, नैतिकता के बिना विकास खो गया, धन के बिना शूद्र बर्बाद हो गया। शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा प्राप्त करने में कोई कसर न छोड़ें। कैसे पता चला कि कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था? घड़ी का आविष्कार तो 1505 ईस्वी में पीटर हैनलेन ने किया था। यह सब गप है, हर 4 बंदों में 3 अंधभक्त है। विज्ञान कहता है कि सोना जलता नहीं है और रामायण कहती है सोने की लंका जलकर आग हो गई। कौन सही है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्रियां 9 भाषा के ज्ञाता थे, जिन्होंने संविधान लिखा है और 8वीं फेल गधे उसमें कमियां निकाल रहे हैं। पंडितों के 33 करोड़ भगवान मिलकर भी दलितों को शुद्ध नहीं कर पाए और दलितों में इतनी ताकत है वो भगवान को छू कर भी अशुद्ध कर सकता है। भगवान की भक्ति से सब कुछ अगर हासिल होता तो सारे पुजारी, उनके बच्चे, महंत, साध्वी राजनीति में नहीं आते। शक्तियां भगवान में नहीं, संविधान और सत्ता में है। भगवानों ने सिर्फ राक्षसों को ही क्यों हराया और वध किया? अरबी, मुगल, डच और अंग्रेज उनके दोस्त थे क्या? सारे धर्मों के धर्म ग्रंथ मिलकर भी अकेले संविधान की बराबरी नहीं कर सकते। मंदिर के अंदर बैठकर जो लिया जाता है वह दान और मंदिर के बाहर बैठकर जो लिया जाता है वह भीख। अजब का शब्द छल है। दोनों जगहों पर पैसा यानी धन ही मांगा जाता है और दोनों ही भगवान के नाम से मांगते हैं, तो फिर अंदर बैठकर मांगने वालों को पंडित और बाहर बैठकर मांगने वालों को भिखारी क्यों कहते हैं? दोनों का काम एक जैसा ही है, इसलिए दोनों को पंडित ही कहो या दोनों को भिखारी कहो, इंसान इंसान में भेदभाव मत करिए। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौए को बाप बनाए। अगर अंधविश्वास के खिलाफ अपने परिवार वालों से भी लड़ना पड़े तो लड़ दो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा। जब मैं पाखंड या अंधविश्वास के खिलाफ कुछ बोलता हूं तो तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और जब तुम पाखंड करते हो तो हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती क्या? शिक्षा ही समाज में समानता का शक्ति है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसमें विवेक और सोचने की शक्ति पैदा हो जाती है, तब न खुद पर अत्याचार कर सकता है और न ही दूसरों पर अत्याचार होते देख सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत सभी देशवासियों को अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लिखने और बोलने का अधिकार है। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ अधिक से अधिक शेयर करके मानवता के साथ समानता ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।